थोड़ा पीछे रखिए। वहाँ से पुलिस अधीक्षक देवघर धनंजय कुमार सिंह के लगातार प्रयास से हम लोग ने साइबर रेड किया था, जिसमें गौरीपुर कुंडा थाना अंतर्गत मधुपुर जयंती ग्राम से कुल 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से कुल 8 मोबाइल और 11 सिम और ATM एक बरामद हुए। इसमें से रवि कुमार राउत और विशाल कुमार मंडल पूर्व के साइबर अपराध के केसेस में हो चुके हैं। सर ये नहीं, ये नया तरीका नहीं है, पुराने ही तरीका है सब। इसमें टीम वेबर और क्विक सपोर्ट रिमोट एक्सेस को ये लोग डाउनलोड करवा करके ठगी के काम कर रहे हैं। कुछ मामला है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि वो सूचना देने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो वो भी आ जाएंगे ना, अभी तो सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। जाँच हो रहा है ना सर? जी, उसके बारे में हम लोग जाँच कर रहे हैं। अभी सभी साइबर अपराधी ये समझ गए हैं कि लगातार रेड हो रही है, तो घर में लोग नहीं सो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं बहुत, या आग तप करके रात गुजार रहे हैं। ऐसे समय हम लोग को थोड़ा छापेमारी में या पकड़ने में बहुत परेशानी हो रही है। कल की एक घटना हुई है जो कि गौरीपुर जो कुंडा थाना अंतर्गत है, तो पकड़ने का प्रयास किया गया तालाब में, पानी में कूद करके भागने का प्रयास किया, लेकिन हमारे लड़के ने तत्परता दिखा कर पकड़ लिए पानी में कूद कर। अभी ये ठिकाना जो है अपना आप घर पे नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैक्सिमम सभी लोग या मोबाइल छिपा देते हैं या बहुत तरह के काम कर रहे हैं और घर में नहीं रह रहे हैं। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी करने।